हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइज, यहाँ पे ना आज हम लोग जो सीबीएसई का ग्रेड ए में वैकेंसी आ रही है ना, बहुत अच्छी वैकेंसी है। देखो लेवल 10 की जॉब है यार, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, प्री है, मेंस है और इंटरव्यू है, और तीनों के ही मार्क्स जुड़ेंगे तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पे ऐसी बात तो नहीं है, हम डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि हाँ लेवल ए है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि देखो यहाँ पे ग्रुप ए है, ग्रुप ए की वैकेंसी ना, मतलब आप समझ लो कि ग्रुप ए से ऊपर कोई ए मतलब ग्रेड होता ही नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि भाई अगर जो बच्चा तैयारी कर रहा था यूपीएससी की पहले से ही और उसका तैयार है हर चीज़, तो वो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, हम एग्ज़ाम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए आप, तो इलेक्शन के बाद ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पे देखो कौन सी वैकेंसी जो हम लोग भर सकते हैं नॉर्मली, जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है, एक तो स्किल एजुकेशन वाली है और एक यहाँ पे है असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन, पे लेवल 10 है, और यहाँ पे असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन का भी पे लेवल 10 है। अब असिस्टेंट सेक्रेटरी ना बहुत सही पद होता है, मतलब आप ये समझ लो असिस्टेंट सेक्रेटरी का सेक्रेटरी बनोगे, अंडर सेक्रेटरी बनोगे, फिर आप सेक्रेटरी बनोगे, उसके बाद यहाँ पे आप समझ लो आपका यूपीएससी का आईएएस ग्रेड लग जाएगा। मतलब बहुत सही है, मतलब इसके जो आपका नेक्स्ट प्रमोशन होगा अंडर सेक्रेटरी आपका सीधा आईएएस है। ओके, अब यहाँ पर आपके ऊपर जो होगा ना, मतलब ये पद भी बहुत अच्छा है लेवल 10 वाला, इसके ऊपर जो पद होगा आपका वो आईएएस होगा खुद ही। ठीक है, उसके बाद आप भी आप उसी के कैडर में जाओगे, हालांकि आपको आईएएस कैडर नहीं मिलेगा, लेकिन ना आपको सीबीएसई का जो ग्रेड ए से ऊपर वाला ए प्लस कैडर है वो मिल जाएगा। ठीक है, कैडर बोलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखो 35 साल एज है और यहाँ पे 18 वैकेंसी है, इसमें यूआर की 10 है। ओके, और यहाँ पर असिस्टेंट सेक्रेटरी का इसमें ना मतलब मास्टर डिग्री मांगी हुई है, और आपकी यहाँ पे 16 टोटल वैकेंसी है और यहाँ पे आपका 7 यूआर की है, तो यहाँ पे टोटल 30 है एज और यहाँ पे 35 है। हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। देखो असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें 18 पोस्ट थी ना, यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल बैचलर डिग्री मांगा हुआ है, और आपका असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन इसमें आपका पीजी मांगा हुआ है, लेकिन जो यहाँ पे आपका स्किल एजुकेशन वाला है ना, स्किल एजुकेशन वाला, यहाँ पे ना आपके अलग अलग टाइप के सब्जेक्ट्स हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है टोटल 8 पोस्ट है, यहाँ पे 5 यूआर के, तो इसमें आपका अलग अलग आईटी है, ऐसे करते हैं आपका यहाँ पे दे रखा है, बीएफएस है। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है, ज़्यादा मतलब वो इतना हार्ड भी नहीं, अगर आप तैयारी करोगे ढंग से तो वो आपका निकल जाएगा। अब ये है आपका एग्जामिनेशन पैटर्न किस चीज़ का, जो आपका असिस्टेंट सेक्रेटरी है एकेडमिक्स का उसका। ठीक है, करंट अफेयर ज़्यादा मतलब ज़्यादा हाई लेवल मत करना, नॉर्मल आपका हो जाएगा। यहाँ पे रीजनिंग, अर्थमेटिक, जनरल हिंदी भी आएगी, जनरल इंग्लिश आएगी, और कंप्यूटर। देखो कंप्यूटर की बुक मैं आप लोग को दे दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट है एग्जाम भी की तरफ से आप लोगों के लिए। करंट अफेयर का डेली या फिर मैं बोल रहा हूँ आपका मंथली, आप मेरा सेशन देख लोगे तो वहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा, पूरा का पूरा चीज़ें कवर करता हूँ आपका, आप देख लोगे वीडियो आपको दिख जाएगी, दिसंबर की, जनवरी और फरवरी की आपको देखने को मिल जाएगी। साथ साथ में आपको वही पूरी की पूरी पॉकेट पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, नीचे लिंक है टेलीग्राम चैनल का। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कुछ आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, डेली करंट अफेयर करो यहाँ पे, अगर आपको डेली नहीं पढ़ना है तो आप मंथली भी पढ़ सकते हो। अब रीजनिंग और क्वांट्स के लिए क्या करना, सिंपली यहाँ पे देखो आपको सीजीएल और सीपीओ, ओके, इन दोनों के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, ओके, टेलीग्राम चैनल में ऑल्सो वो भी अवेलेबल हैं, सारे के सारे शिफ्ट के अवेलेबल हैं। सीपीओ के 2023 में 9 शिफ्ट में पेपर हुआ था, सीजीएल का 2023 में 39 शिफ्ट में पेपर हुआ था, 39 प्लस 9 आपका 48 हो गया, तो 48 मतलब आप मान के चलो 50 सेट अगर आप लगा लेते हो अर्थमेटिक और जनरल, अर्थमेटिक और रीजनिंग के इसमें से, तो आपका यहाँ से पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, आपको कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। हालांकि आना चाहिए पहले से आपको मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है, इतना हाई लेवल नहीं आना चाहिए, लेकिन हाँ नॉर्मल लेवल का तो आपको आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे बहुत हाई लेवल नहीं होता, नॉर्मल होता है, वो आप कर लोगे, मतलब अगर थोड़ा बहुत आता है आपको, ऐसा नहीं है कि आता ही नहीं है तो फिर कैसे होगा। ओके, ये बात आपको खुद भी समझनी है ना कि बिल्कुल नहीं आता, आप करने बैठ गए तो टाइम वेस्ट करोगे अपना, नहीं आता है तो सीख लेना, आता है तो भाई इसको करना स्टार्ट कर देना, यहाँ पे आपका टाइम बचेगा, वो टाइम आप पूरा अपना इसमें देना। ठीक है, जीके तो है ही नहीं इसमें, जीके यहाँ पे आपके अलग है, यहाँ करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन है, तो आप मान के चलो 15 आपके करंट अफेयर होंगे, 15 आपके जीके वाले होंगे, हिस्ट्री उससे सब जो आएगा उसकी सेपरेट वीडियोज में लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। ओके, कंप्यूटर का भी मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए ले आऊंगा। अब यहाँ पे देखो टीयर वन में हर क्वेश्चन के आपके 2 नंबर हैं, और आपका यहाँ पे 0.5 जो है नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, ये आपका टीयर वन हो गया। अब ये आया आपका टीयर टू, टीयर टू में पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर, इसमें भी 4 पार्ट होंगे। ओके, पहला है आपका 160 मार्क्स का, जिसमें आपका करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, ये आपका रिटन एग्जामिनेशन है भाई लिखने वाला। ओके, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक्स, सोशल, पॉलिटिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इन सब में से आपका एक ही क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको लिखना है।
एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, पब्लिक पॉलिसी प्लानिंग, टेक्निक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इंप्रूवमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, ये आपके आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा। ये आपका ऐसा नहीं हो पाएगा जब आप प्री निकाल लोगे, तो इसके लिए मैं आपको गाइड कर दूंगा अच्छे से, ठीक है, बुक भी बता दूंगा। फिलहाल आप इसकी तैयारी करो जो इंपॉर्टेंट है, ओके, क्योंकि यही आपका मतलब सबसे पहली बाधा यही है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये आपका पॉलिटी है और ये आपका ऐसे राइटिंग है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में से आप एक ले सकते हो। आपका यहाँ पे एक आएगा और वहाँ पे आपको उसका ऐसे लिखना है, ओके। फिर आपका फाइनल मेरिट होगा आपका 80 नंबर का इंटरव्यू, ओके। ये आपका किसका है, असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स ट्रेनिंग स्किल एजुकेशन। स्किल एजुकेशन का भी यही है जिसके मैं बात कर रहा था आप लोगों का, सिर्फ उसमें मास्टर डिग्री चाहिए। करंट अफेयर 50 क्वेश्चन जी है उसके, 100 नंबर के। स्किल ऑफ और एकेडमिक्स एंड ऑफिस वर्क एंड एनालिटिकल एबिलिटी, ये भी आएगा आपका। जनरल एप्टीट्यूड इन एरियाज एसोसिएटेड टू स्कूल एजुकेशन, ये आपका आएगा, ओके। तो यहाँ पे हो गया आपका 300 मार्क्स का और 150 क्वेश्चन। रिटर्न एग्जामिनेशन होगा यहाँ पे आपका दूसरा, और इसका रिटर्न एग्जामिनेशन के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया, बोला है कि यहाँ पे आप जाके देख सकते हो ये वेबसाइट में। अब यहाँ पे आया आपका 80 नंबर का इंटरव्यू, ओके। अब यहाँ पे देखो, ये जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन वाला है, इसका जो पेपर लेवल होगा आपका ग्रेजुएशन का होगा, एकेडमिक्स वाले का पीजी और ग्रेजुएशन के लेवल पे होगा, स्किल एजुकेशन वाले का पीजी और ग्रेजुएशन के लेवल पे होगा। लेकिन जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है ना, एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें 18 वैकेंसी थी, जिसमें आपका ग्रेजुएशन मांगा हुआ, इसमें 35 साल मांगा हुआ, ये आपका ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है। यानी कि लेवल बहुत सही है, मतलब अगर इनको लिखना होता 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड और वो तो लिख सकते थे, लेकिन इन्होंने क्लियरली लिखा है कि पेपर का जो लेवल होगा वो ग्रेजुएशन लेवल का होगा। तो ये मान के चलो आपको ग्रेजुएशन की जो भी थ्योरीज हैं वो पढ़नी पड़ेंगी। एक मुझे बहुत चीज़ इसमें ख़राब लगी है कि भाई सिटी बहुत कम है, मतलब इन्हीं जगहों पर आपका एग्ज़ाम है, होपफुली इसमें मेरा स्टेट भी है उत्तराखंड, ठीक है, तो वहाँ पर एग्ज़ाम हो रहा है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे गोवा में एग्ज़ाम नहीं है, ओके, और यहाँ पे आप देखोगे केरला में है, कर्नाटक में है, ओके, मध्य प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में भी है, ओके, और यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी है, ओके, छत्तीसगढ़, झारखंड, चंडीगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, ठीक है, झारखंड में भी नहीं है, वेस्ट बंगाल में भी नहीं है, ओके। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो, अपने पास का एरिया देख लेना भाई कहाँ पड़ता है इसके पास में। अब मेरा तो यही है तो मेरे लिए यहाँ पे इजी पड़ जाएगा। जैसे राजस्थान वालों का अजमेर है तो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत सही लगा, मतलब कि नहीं तो जयपुर पड़ता है बेसिकली, ओके। भुवनेश्वर, पुणे, भोपाल, त्रिवंदमपुरम, बेंगलुरु, दिल्ली, चंडीगढ़, पटना, गुवाहाटी, विजयवाड़ा, ओके, ये सब इनकी सिटीज़ हैं जहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा, और कहीं पे आप सेंटर नहीं भर पाएंगे। और जल्दी भर लेना फॉर्म, नहीं तो सेंटर भर जाएंगे तो आपको फिर सेंटर मिलेगा नहीं, ठीक है। तैयारी कैसे करोगे, तैयारी के लिए मैंने आपको बता दिया है कि भाई एक साल का वन ईयर का करंट अफेयर पढ़ लेना, ठीक है। तो वन ईयर का करंट अफेयर आप लोगों ने ज़रूर पढ़ना है, इस चीज़ का आप यहाँ पे ध्यान देना भाई, ये आपको ज़रूर करना पड़ेगा, ठीक है। वन ईयर का आपको करंट अफेयर करना है, उसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि आप पॉकेट पीडीएफ ले लेना, जनवरी फरवरी ऑलरेडी पड़ी हुई है, मार्च की यहाँ पे, मार्च के खत्म होने के बाद आ जाएगी, और मैं उसका वीडियो प्लस पॉकेट पीडीएफ दोनों आपको दे दूंगा। अच्छे से नोट्स बनाना, पढ़ लेना, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, पढ़ लेना, ओके। इसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना एसएससी के, वहाँ से आपको कंप्लीट हो जाएगा। जनरल हिंदी और इंग्लिश आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, जनरल हिंदी और इंग्लिश बोली है इन लोगों ने, तो हिंदी मुझे लगता नहीं कंपेरेटिवली ज़्यादा हार्ड होगी आप लोगों के लिए, आप समझ जाओगे उसको। इंग्लिश का भी वही सिनेरियो है, ठीक है। इंग्लिश के भी आप क्या करना कि जो PYQs ये होंगे ना, CGL और CPO वाले, इसको कर लेना ट्राई, इसमें भी आपको कम से कम 1000-1200 क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो रिपीट हो जाएंगे उसमें, ऐसी कोई बात नहीं है। हिंदी का आप YouTube में किसी भी चैनल से पढ़ सकते हो, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। ये कंप्यूटर की जिम्मेदारी आप मेरे पे छोड़ दो, कंप्यूटर का मैं आपको पूरा का पूरा पढ़ा दूंगा। करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस भी मेरे पर जिम्मेदारी है, यहाँ पे इसकी वीडियोज आती रहेंगी, ठीक है, तो वो आप देख सकते हो, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। इसका हम लोग बाद में करेंगे टीयर टू का, ओके, ये अभी बहुत बड़ी चीज़ है, इसमें सिखाने में बहुत टाइम लगता है और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं आपको यहाँ पे समझनी है, फिर भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है, ओके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, गुड बाय एंड जय हिंद।